जितने काले सारे मेरे बाप के साले, और प्रधानमंत्री है कहाँ वो? किसने कहा प्रधानमंत्री है वो? उसमें स्वयं कहता है चौकीदार हूँ मैं, नहीं करेगी आगे करेगी, कौन सी आफत आ गई? आफत आई नहीं, किससे करें? हम तो तैयार हैं, एक काम कर ले, तू बहुत सरकार का हिमायती बन रहा, जब बता कौन सी जगह करवावे, जब चला जाएगा तू चला जाएगा पीएमओ में, बिना पास के चला जाएगा या सात रेस कोर्स में चला जाएगा। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। देश का विकास, तो आपने विकास की गई, देश का विकास कैसे कर देगा वो? क्या देश का तो विनाश कर दिया, देश बचा ही कहाँ, बेच तो चुका सारा देश। पर्सनल लाइफ कैसे होती है? जो सार्वजनिक जीवन में आ गया उसकी पर्सनल लाइफ कहाँ से बच जाती है? पर्सनल लाइफ जब नहीं पति थे, जब अपनी माता जी को लाइन में लगा दिया था। सही आ रहे एकदम तम तो। है? देख रहे हो भविष्यवक्ता तो नहीं हो, लेकिन जो तैयारी आपने बंगाल में करी है, किसान को समझाया है, उसके आधार पे तो कुछ कहोगे? अरे अगर उनकी समझ में आया होगा तो वो जिसको चाहेंगे उसे जिताएंगे ना। हम लोग, अरे यार तुम फिर बेकार की बात करते हो। हमने कहा है, हम वहाँ जाके बता के आए हैं के MSP मांगनी है इन सरकारों से। काले कानून अब हमारे लिए फांसी का फंदा आ चुका है, इनसे बचो। सरकार है कहाँ? तो सरकार है कहाँ? जब सरकार ही कुर्सी पे नहीं है तो किसे सुनाए? अभी नहीं है, पहले तो थी। कौन कह रहा सरकार सुन नहीं रही? कल तो कल ही उनके चपरासी का बयान आया कि हम बात करने के लिए तैयार है। एक ही तो चपरासी है वहाँ, नरेंद्र तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं वो। अरे एक चपरासी है, कृषि मंत्री होता तो अब लोग बात करता। चौकीदार तो वो है, मोदी जी चौकीदार। मोदी चौकीदार है, ये चपरासी है। चौकीदार और चपरासी में अंतर होता है। कृषि मंत्री चौकीदार गेट पर रहता है और चपरासी पानी पिलाता है। कृषि मंत्री चौकीदार होते हैं। जब प्रदेश का प्रधानमंत्री चौकीदार है तो राजा कहाँ से आ गया? राजा है ही नहीं, राजा एक है, उसे राष्ट्रपति को राजा कहते हैं हमारे यहाँ। देश के प्रधानमंत्री ने खुद नहीं कही मैं इसका, इस देश का चौकीदार हूँ? कहा है रखवाली कर तो चौकीदार से बड़ा हो जाएगा नरेंद्र तोमर। रखवाली कर तो रहे हैं, है? रखवाली कर रहे, सारा देश लुटवा दिया और अब बाकी बचा था सारा बेच दिया। ऐसा चौकीदार को किसने मांगा था? आप ही कह रहे थे मोदी हर घर मोदी। ये मैंने तो नहीं कहा, पर हाँ देश की जनता ने कहा है। अब सारे मुकर गए। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा, देश की जनता ने कहा। जनता में तो आप भी हो? नहीं, मैं जनता में नहीं। लगातार सरकार बैठकें कर रही है, लॉकडाउन की चर्चा हो रही है कोरोना को लेके। देखिए कोरोना अभी 1.25 साल का हुआ है और 1.25 साल का बच्चा ना तो किसी धरने में जा सकता है, ना किसी रैली में जा सकता है। वो तो ज्यादा से ज्यादा वो कौन से छोटे से स्कूल खोल रख रहे हैं ना, पिले विले, वो स्कूलों में जाता है। तो इसलिए स्कूल बंद, डे केयर में 18, हाँ डे केयर वाला वो तो स्कूल बंद। अच्छा अभी वो बड़ा हुआ नहीं तो 18 साल का हो जाएगा तो रैली में जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव की रैली है वहाँ कोरोना जाता नहीं, तो रैली में वो जा नहीं सकता, क्यों? अभी वोटर नहीं है। दूसरी चीज, 18 साल का नहीं है तो हमारे धरने में नहीं आ सकता, वो तो नहीं। 18 साल का नहीं है तो शराब पीने नहीं जा सकता, ठेके पे ठेके पर खुले रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं डर है लॉकडाउन का? किसे? हमें क्या डर होगा? तो जब तुम जैसे बार बार हमारे खोदे मारो कि कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो रहा, लॉकडाउन हो रहा, तो जवाब तो देना पड़ेगा। वो तो मीडिया में चल रहा है जोर शोर से, अभी बैठक भी हो रही है, उसपे लगातार सरकार बैठकें कर रही है मुख्यमंत्रियों के साथ। क्या सरकार है कहाँ? सरकार तो जाके पड़ी वहाँ बांग्लादेश में, दिल्ली में से, बंगाल में, दिल्ली से सरकार लेके आ। फिर भी जनता के लिए उन्हें चिंता है, समय किसे चिंता आते हैं, समय किसे चिंता बता, कौन से नेता को चिंता? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को अगर चिंता है तो प्रधानमंत्री से सवाल कर जाके कि 1.25 साल से यह आपदा देश के अंदर है, एक भी अस्पताल बनाया बता? बनाया? किसी डॉक्टरों की नियुक्ति करी? जैसे जब ये इसके बारे में किसी को नहीं पता था उसी तरह का था, शुरू में आया था तब हॉस्पिटलों की कमी पड़ी थी, उसी तरीके से डॉक्टरों की कमी पड़ी थी,
सवा साल में इन्होंने क्या करा, झक मारा या वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया था उसे खाया है कि आज फिर दोबारा उसकी लहर बता रहे हैं फिर हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। तो इन्होंने करा क्या, वैक्सीन बनाई है कहाँ वो वैक्सीन है? पीएम मोदी ने लगवा भी लिया। तो पीएम मोदी ने लगवा ली केजीएमयू के लखनऊ में डॉक्टरों के लगी उनके कोरोना, एक यो गंगाराम है कौन सा दिल्ली में उसके डॉक्टरों के लगी सारों के कोरोना। तो या तो वैक्सीन नकली है या कोरोना नकली है, एक नकली है। तीसरा लगानी पड़ेगी अब, दो से काम नहीं चल रहा है, तीन तीन कर दिए। अब तीसरा नहीं, वो तो तीसरी वैक्सीन आई है अलग से, तीन तीन कर दिए टीके भी, तीन लगे कब से? अब दो से काम नहीं चल रहा। और कब से करी है? टाइम हो गया नहीं, मैंने तो अभी सुना नहीं भाई, अभी तक तो दो ही चल रहा है। आपने लगाया कि नहीं टीका? ना कोई लगाने ही नहीं आया, 60 साल तो कोई लगाने नहीं आया। आपको जाना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे आंदोलन में, आपको घुसने नहीं दे रहे किसी को। ये डॉक्टर को किसे मना करी यहाँ, यहाँ किसे मना करी? यहाँ तू मोदी को लिया अभी, कोई भी नहीं मना करे, लेके आ जा। इतना फालतू है मोदी, तुम्हारे लिए आ जाएगा ना। तो हम इतने फालतू है की उसके घरों जाएंगे मरने? टीका तो लगवा लीजिए, जिनका लगा उनके ही हो गया, हो गया वो बाद की बात है, लगवा समाधान तो। तो हम क्या मना कर रहे, लगा जाओ टीका। इतना भी सुविधा नहीं है कि हमारे घर आके लगा दे या जगह बताए कहाँ लगवाऊं मैं? सरकारी अस्पतालों में टिक के ही ना, कानून के दायरे में नहीं है घर पे टीका लगाना, कानून के खिलाफ है टीका घर पे लगवाना। अच्छा, तो बता कौन से हॉस्पिटल में लगवा कहूँ? सरकारी हॉस्पिटल मेरे घर के बराबर में, उसमें तो ना लग रहे। कौन सा लग रहा है उसमें? ना कुछ कोई सा भी नहीं लग रहा, कहीं कुत्ते के भी टीके लग रहे हैं ना उसमें? ना कुत्ते के भी, ना वहाँ कुत्ते का भी ना लगता, इंसान का तो जब लगेगा। बंगाल चुनाव खत्म होते ही सरकार दिल्ली में आएगी, इतना तो कन्फर्म है। दिल्ली में आएगी लेकिन आंदोलन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। नहीं करेगी? नहीं, हम कह रहे तू हस्तक्षेप कर, बातचीत से निकलेगा। बातचीत तो करी नहीं रही सरकार, नहीं करेगी आगे करेगी? कौन सी आफत आ गई? आफत आई नहीं, किससे करें? सरकार से। हम तो तैयार हैं, एक काम कर ले, तू बहुत सरकार का हिमाती बन रहा, जब बता कौन सी जगह करवावे, जब चला जाएगा तू, चला जाएगा पीएमओ में बिना पास के चला जाएगा या सात रेस कोर्स में चला जाएगा? है अरे बड़े नेता है, जब पास आओगे जब ही तो जाएगा। वहां दो आदमी जा सकते हैं, या तो आरएसएस का चमचा हो या कोई दल्ला हो, उसकी एंट्री है और किसी की नहीं है। नहीं और की नहीं है, बिना पास के। आपका आगे का कोई प्लान व्लान तो है नहीं है फालतू में? प्लान हैगा, अरे मोदी से पूछ तो रहे हैं कि मोदी तीन चीज बता दे हमें, कानून वापस कब करेगा, एमएसपी पे गारंटी का कानून कब बनाएगा, और नो बता दे रफेल में जो दलाली खाई वो पैसा कहाँ रखा? अरे एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, इसके बाप की संपत्ति है, भारत देश की संपत्ति है, किसान भारत की जनता की संपत्ति है जिसे बेच रहा है। और यहाँ से तो अभी तो हम मांग करेंगे कि जिस जिसने भी भारत की संपत्ति खरीदी है, इसने सरकारी को प्राइवेट किया है, और जो भी नई सरकार बनेगी उससे ये तय कराएंगे कि उस प्राइवेट संपत्ति को वापस सरकारी करना पड़ेगा। जितने दिन हम बैठे रहेंगे उतने दिन ही मांगे बढ़ती चली जाएंगी, एक एक मांग पूरी होगी, चिंता ना करें। चिंता आपके जैसा आपने कहा कि हिसाब लेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जो सवाल विपक्ष करता है वही आप कर रहे हो? जो विपक्ष सवाल उठाता है वही आप कर रहे हो? देखिए, कुत्ते को कुत्ता हम भी कहेंगे और कुत्ते को कुत्ता विपक्ष भी कहेगा और कुत्ते को कुत्ता तू भी कहेगा, कुत्ते को शेर नहीं कह सकता कोई भी आदमी, जो भी कहेगा कुत्ते को कुत्ता ही कहेगा। लेकिन मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं, मोदी जी को शेर कहते हैं, उनको शेर कहते हैं। और मैंने बताया ना, कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, और वो शेर है उसे वे शेर कहते हैं। और उसको बता देना कि ये वो किसान है कि शेर को भी कुत्ता समझ के दंगा लेता है लाठी से, ध्यान रखना। आप इस तरह से हमलावर हो जाते हो मोदी जी पे, आपको डर नहीं लगता कि आपको अंदर भी जा सकते हो? तो क्या हो गया, देशद्रोह का हो जाएगा? मैंने देश देश के खिलाफ कहा बोला?
कोई शब्द बताए मैंने देश के खिलाफ बोला हूँ? मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोला। प्रधानमंत्री पद सम्मानित पद है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैंने मोदी के खिलाफ बोला। प्रधानमंत्री तो वही है, बात कौन कह रहा मोदी प्रधानमंत्री है? मोदी तो नीरव मोदी भी है जो देश का पैसा लेकर भाग गया। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता या अध्यक्ष नरेश टिकैत है, तो नरेश टिकैत का नाम आएगा तो अध्यक्ष हुए ना, तो इसी तरह प्रधानमंत्री है चाहे मोदी का हो चाहे नरेंद्र मोदी का। अच्छा मोदी कहने से सारे जितने मोदी है मतलब जितने काले सारे मेरे बाप के साले, ऐसे कैसे चल जाएगा? सारे मोदी प्रधानमंत्री थोड़ा ही हो सकते हैं। वो तो चौकीदार बताओ। और प्रधानमंत्री है कहाँ? वो किसने कहा प्रधानमंत्री है? वो कोई नहीं बता। वो उसमें स्वयं कहता है चौकीदार हूँ मैं। उसने कहा स्वयं कहा चौकीदार है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री कौन है? कोई और है? वो जनता की सेवा के लिए क्या? अच्छा अपनी बात का अलग अलग अपने आप ही अर्थ निकाल लो। जब तुम निकाल सकते हो तो हम भी निकाल सकते हैं।